सारी चीज़ें और वीडियो भी डलेगी यूट्यूब पे, कोई इशू नहीं। बहुत तेज़ी से काम करते हैं भाई लोग ये ना टोयोटो में। हेलो गाइस, क्या हाल चाल सबके? मैं बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे। आज का व्लॉग अपना जो है इस अपनी पुरानी वाली टोयोटा फॉर्चुनर 2016 मॉडल है ये, इसकी ओवरऑल सर्विस और मेंटेनेंस का एक व्लॉग रहने वाला है, जिसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा ये है कि एक पीरियोडिक सर्विस जो इसकी होती है 130,000 वाली होनी थी ये, मोटा मोटा ये लगा लो आप, ये चल चुकी है 134,000 के आसपास, 134,000 130 पे होनी थी इसकी सर्विस, थोड़ा सा लेट हो गए एंड अब चल रहे हैं शोरूम पे नोएडा। ये लो जी पहुंच तो गए हैं, एंट्री ले लेते हैं, चेक करो एक बारी क्या क्या मामला है इसके साथ सर्विस के अलावा भी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, देहरादून सर्विस होती थी इसकी। गाड़ी नहीं, बाहर भी काम कर रहा है। बाहर में काम नहीं हो रहा है, सीट में भी कुछ जैसे ना लूज हो जाते हैं बोल्ट वगैरह, वो लूज हो रखी है, उसमें आवाज आती है अंदर केबिन में, तो वो ए टू जेड सारी चीजें देख लेना। एक बार सेंटर कंसोल भी दिखा देता हूँ आपको, एसी का पैनल ऐसे हिल रहा है, वो उसकी पेस्टिंग से निकल गई है। और जो वेंट के ये जो हैं ये मूवर, वो बीच वाले कंसोल के, वो थोड़े से ये ऐसा लग रहा है चेंज होंगे भैया पूरे, ये खुल के ठीक हो जाते हैं, तो खुल के एसआईटी तो करना है, वैसे तो काम कर ही रहा है पूरा अपना, ये अंदर घुसा हुआ है देखो, ये खुलेगा ना जब सेंट्रल कंसोल, हम तो इसी वजह से खुद नहीं खोल रहे, हम तो खुद कर देते इसको अब तक, तो लेबर है ठीक है, डबल टेप हो गया आपका, नॉर्मल ग्रीस हो गया, बटर इसी गैस वगैरह चेक करेंगे, रीटर कंट क्लीन करेंगे और सस्पेंशन एप्लीकेशन होगा, 25,068 प्लस जीएसटी करीब 28,000 के आसपास आएगा। चलो जो भी अभी तो एस्टिमेशन आए, देखते हैं जैसे भी होता है। एस्टिमेशन नहीं मतलब ये काम आपका, ये काम करने के लिए दे रहा हूँ मैं, है ना। ये आ चुकी है अपनी गाड़ी वॉशिंग पे, और अब ये टोयोटा की यही खास बात है, आप कितनी भी पुरानी गाड़ी हो चाहे कितनी भी नई गाड़ी हो, इसीलिए मेंटेन भी रहती है इनकी गाड़ियाँ, थोड़ा शोर है आवाज़ कम आएगी मेरी। वॉशिंग पैनल लगा के गाड़ी को पहले सर्विस के लिए डाल दिया इन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है वॉशिंग के ऊपर भी, और आज पता नहीं क्यों इतने सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं। ये अपनी गाड़ी सर्विस पर लग गई है अब, और जो भी हमने अपनी जॉब कार्ड में खुलवाया था वो सारी चीज़ें, और जैसे कि सेंटर कंट्रोल भी वो फेस होगा दोबारा से, सारी कुछ चीज़ों का चेकअप होगा गाड़ी का, जो रेगुलर सर्विस में होता है वो सारी चीज़ें होंगी, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, रेडिएटर इसका चेंज होगा, वो पार्ट अभी मिलेगा नहीं तो जब देखते हैं जब जैसे होगा, ये सारी चीज़ें इसकी ओके हो जाएंगी, बाकी देखो क्या होता है, ऐसे ही खर्चा एट दी एंड पता चलेगा जब सारा काम हो जाएगा। टूटे हुए हैं ये, बाहर से चटका हुआ है ना? हाँ ये दिखाई दे रहा है, चटका हुआ है थोड़ा सा दिखाई दे रहा है वो, चलो तो फिलहाल के लिए तो काम हो जाएगा इसका, फिर देखते हैं नेक्स्ट बार, अगली बार ही देखते हैं। डबल टेप लगा दी है इसमें, डबल टेप लग गई है और आपका काम अपना हो गया है हमारा इसका, अब अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, तो थोड़ी बहुत वाइब्रेशन की आवाज़ थी इसके अंदर वो नहीं आएगी, बाकी जब देखते हैं नेक्स्ट टाइम, अगर नहीं काम चला आवाज़ फिर भी कंटिन्यू रहती है तो तब इसका सेंटर कंसोल चेंज करा देंगे। ये इसका डीजल फिल्टर चेंज कर दिया प्रेशर बना के, दोबारा से रेडी है। बहुत तेज़ी से काम करते हैं भाई लोग ये ना टोयोटा में। सेंटर कंसोल भी जो हिल रहा था वो ठीक हो गया है, बाकी ये भैया बोल रहे हैं इसको चेंज ही करना पड़ेगा, इसके लॉक टूटे हुए हैं,
ये बाहर से चटका हुआ है ना। हाँ ये दिखाई दे रहा है, चटका हुआ है थोड़ा सा। तो भाई कुल मिला के सर्विस वर्विस का काम ऑलमोस्ट हो गया है, वॉशिंग वगैरह हो गई है, गाड़ी साफ हो गई है अपनी, और देखते हैं कितने का बिल आता है। अब चमक रही है बढ़िया। बाकी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसकी वो बता दी जो कि चेंज होने लायक हैं। यार कुछ तो ना आजकल डीलरशिप का है ड्रामा कि बिल बना दो, एक्स्ट्रा ये कर दो, वो कर दो। तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगी कि नहीं शायद चेंज होने लायक नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा अभी ना चेंज करा के रेगुलर सर्विस करा के फिर देखते हैं। जो बिलिंग में था आपका 205 का डिस्काउंट के बाद आपका बना 27,400 जीएसटी, इसमें आपका क्या क्या डाल दिया सारी चीज़ें आपके सामने। डीजल इंजेक्टर क्या हुआ, डीजल इंजेक्टर का इंजेक्टर डला है इन्हें, ये तो आपने बताया भी नहीं था मुझे। बताया था मैंने आपको, साइन कराया था मैंने आपके। नहीं साइन तो तुम कुछ ही करा लो उसका, क्या लेबर चार्ज है। और यहाँ आपके सारे पार्ट चार्ज हैं, इसके अंदर आप देख सकते हो हर चीज़ का एक वो बना हुआ है। रुक तो जाओ देख लेंगे आराम से, क्या सारी चीज़ें आपका। ये क्या करवाया इसमें, फ्यूल फिल्टर ऐसे सर्विस, सक्शन प्लेट, फ्यूल फिल्टर चेंज कराया उसकी लेबर है, फ्यूल फिल्टर चेंज भी नहीं हुआ और चेंज हुआ वो डीजल फिल्टर है। अच्छा वो डीजल फिल्टर जो ऑपरेटर क्या है, गाड़ी का जो रेडिएटर कंडेंसर है, गाड़ी का जो ऑपरेटर है वो क्लीन हुआ है, उसके चार्जेस हैं। ऑपरेटर वही तो है, कूलिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल डोर यूनिट होते हैं जिनमें जिससे क्लीन होता है। डोर यूनिट अलग होती है, कूलिंग कॉइल अलग होती है, ऑपरेटर कूलिंग कॉइल ही होता है। कूलिंग कॉइल लेकिन ये डोर यूनिट की लेबर है टोटल इतनी। तो कूलिंग कॉइल की लेबर होती है सर इतनी, कूलिंग कॉइल तो जब खुलेगी ना वो डैशबोर्ड खुलता है उसके लिए, डैशबोर्ड भी खुलेगा और गैस भी निकलेगी, गैस भी निकलेगी उसके लिए अलग से होता है। तो ये चार्जेस किस चीज़ के हैं सर भैया? ये ऑपरेटर रेडिएटर कंडेंसर और जो कूलिंग कॉइल ब्लोअर मोटर क्लीन हुई है उसके लिए। ये ब्लोअर मोटर के इतने पैसे? हाँ जी। एक तो चाटा ये एसी डक्ट की, ये एसी डक्ट क्लीनिंग अलग से, कुछ ब्लोअर से अलग है ये डक्ट, जो अपना डक्ट होता है वो क्लीनिंग हुआ है। उसमें क्या क्लीन करा? उसमें जो एसी के वेंट है जिसमें से हवा आती है वो क्लीन हुआ है। हवा लग गई उसमें? कितना हवा नहीं आता, डक्ट वो आती है एक डिसइंफेक्शन की, वो स्प्रे आती है वो लगाई है। कहाँ डाली? लगाई है। दिखाओ आप, या तो आप बोलते सामने कर दो, मैं तुम वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, तुम वीडियो भी बनाने नहीं दे रहे थे, तुम देखो वीडियो भी नहीं बना सकते, वहाँ खड़े भी नहीं रह सकते, और आप ये चीजें बता रहे हो ये कर दी मैंने। आप बोलते कि सामने कराना है तो मैं सामने करा। भैया पंकज जी को पता है आज तक सारी सर्विस पे वीडियो बनी है। सुनो मेरी बात, अब ये बताओ क्या है, पैनल कोटिंग का कोटिंग करी गाड़ी के, जितने लुब्रिकेशन हुए, इंटरनल पार्ट्स वगैरह। कोटिंग क्या है? इंटरनल कोटिंग के नाम से ही आता है क्या? डोर के रन चैनल्स वगैरह और जितने अपना मशीन होती है। 4403 रुपए जी भैया, कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, बात कर लो पंकज से, आप करो बात कर लो, बुला लो, कोई इशू नहीं। देखो डीजल इंजेक्टर क्या डाला आपने इसमें? इंजेक्टर डला है आपके पास? कहाँ रखा है गाड़ी में डाला हुआ? पार्ट्स आपके सामने डाला होगा? मेरे हमारे सामने कुछ नहीं डला था भैया, हमारे सामने इंजन का वो निकला है ऑयल, ठीक है वो डला है। कैमरे में है तो कल आप आकर रिकॉर्डिंग चेक कर जाना, कल ये करा सकता हूँ आपको मैं, कल आप आकर रिकॉर्डिंग चेक कर जाना। इतना देखो गाड़ी में इंजन फ्लश पड़ा है कभी तक कहीं पर ना पड़ा है, ठीक है इसके पैसे आपने जो भी जोड़ रखा अगर जितने भी जोड़ते देखते, इंजन ऑयल ठीक है। ये क्या है, क्या चीज़ है? LP नॉन मेटल, नॉन मेटल ग्रीस है ये। अच्छा ये ग्रीस है। एलिमेंट असेंबली फ्यूल गैसकेट कौन सी है ये? गैसकेट जहाँ से इंजन ऑयल ड्रेन किया जाता है वो गैसकेट है। अच्छा चलो ठीक है। ऑयल फिल्टर, वी बेल्ट, और ये क्या है? LP फोम टेप, फोम टेप वो लगाई है उसमें, डबल टेप, अंदर कहाँ जो अंदर के पैनल में लगाई है जिससे चिपकाई, जो 11 वाले ठीक है। बाथरूम हेलो भैया, ये कोई जरूरत भैया, इसमें तीन चार चीज़ें ऐसी जोड़ रखी हैं ना, तो मुझे बताई इन्होंने कि ये डलेंगी ये होगा। एक तो इवेपोरेटर सब असेंबली लिख रखा है, वो तो खुला ही नहीं है, जिसमें 3358 रुपये जोड़ रखे हैं जिसके लेबर चार्ज।
ठीक है, एक डक्ट क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेंट दे जोड़ रखा है 1800 का, हवा मारने का 1800 हवा 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 लगी है और तो कुछ हुआ ही नहीं है उसमें, पता नहीं हमारे सामने तो वो भी नहीं, वो मेरे सामने हुआ भी नहीं। उसके बाद टीजी ग्लोस इंटरनल पैनल कोटिंग 4403 रुपए, कौन सी कोटिंग कर दी जब से तुम वहीं चक्कर काट रहे हैं, कोई कोटिंग हमारे सामने तो हुई नहीं इसमें, ठीक है भाई तुम इसमें 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 डीजल डीजल इंजेक्टर लिखा हुआ है, डीजल इंजेक्टर कहाँ डल गया इसमें, आप किसी चीज़ें करा लो, ऐसा नहीं होता भैया, आप कंपनी में आ रहे हो कहीं वो नहीं करा रहे हो, कंपनी में आगे की चीज आप क्या जी आवाज नहीं आई क्या बोल रहे हो, तो वेरीफाई यही तो कर रहे हैं ना आप, बताओ कि भैया इसके ये चार्जेज हैं, ये कब डला मेरे तो सामने, इंजन फ्लश डला, इंजन ऑयल डाला, सर्विस के लिए खाली बोतल, खाली बोतल दिखवा दो मुझे, आप बताते ना ये भैया ये होता है, ये फालतू की चीजें हटवाओ, ये बेवजह जोड़ रखी है इसमें इतना ज्यादा, लो बात करो भैया हम इसका पैसा नहीं देने का, आपसे सीधी बात यह है, चाहे कितने इसमें तुम जोड़ लो, चाहे एक और फॉर्चूनर का बिल लगा दो इसमें, ठीक है, इंजेक्टर वाले वाले के लिए बोल रहे हैं, इंजेक्टर वाले डलवा दिए मैं, ये बात करोगे मना कर रहे हैं, इंजेक्टर ऑयल तुम ये बोल रहे हैं कि उसकी बोतल पड़ी है वो दिखवा दो मुझे कहाँ पड़ी है डाला जो, हाँ बस वो ये मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं, कोई चीज़ डली है तो वो उसमें कोई नहीं है, जो चीज़ डला है, हाँ तीन चीज़ें का जो चीज़ें डली हैं उसका मैं बिल्कुल पैसा दूंगा, कोई इशू नहीं है, हाँ बाकी ये हटवाओ, ये तीन चीज़ें एक्स्ट्रा लगा रखी हैं इसमें, लगी नहीं है जो बेवजह क्यों दूंगा पैसा, लो 3301 1800 1400 1000 ये तो डबल सौ हो गया, 4-8 हज़ार रुपये तो यही हो गए, क्या कर दूँ, वो सारी चीज़ें वीडियो पे डलेगी यूट्यूब पे, कोई इशू नहीं है, अगर इनमें से जो भी चीज़ें आपने बोली हैं और इसमें मुझे मिल भी गई, मैं नेक्स्ट टाइम सर्विस पर आपको इसके पैसे दे के जाऊँगा, ठीक है, तो वेव ऑफ कर रहे हो आप, ऑन रिकॉर्ड मैं इस चीज को बोल रहा हूँ, जो भी चीज आपने बोली है और मुझे आपको खुद आओगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा, हाँ करके दिखाओगे मैं फुल पैसा दूंगा, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ ये चीज, तो अब ये जो एस्टिमेट मेरा बना है आपके हिसाब से 18162 का है, जो आपने तीन चीजें वेव ऑफ कर दी उसमें से, है ना, इंटरनल पैनल कोटिंग आपका, ऑपरेटर जो कूलिंग कॉइल और डीजल करने से क्लीनिंग था, और तीसरा आपका था एक और चीज तीसरा वो था इंटरनल कोटिंग जो आप बता रहे हैं, इंटरनल कोटिंग और वो डक्ट क्लीनिंग था, डक्ट क्लीनिंग था, ये तीन चीज़ें आपने वेव कराई हैं, जो कि मैंने अपने सिलेंडर से बोल के तीन चीज़ें वेव करा दी, ठीक है जी, चलो पेमेंट करवा दो इसकी, गेट पास बनवाओ, तो भाई गेट पास बन गया अपना, चलते हैं अपना 18000 रुपये पे करके अपना घर की तरफ को हो लेते हैं, अब गाड़ी अपनी साफ हो चुकी है, चमक चुकी है, बात ठीक है, थैंक यू, ठीक है ठीक है, डन, तो भाई कुल मिला के ऐसी बात है कि अगर आपके पास पुराने वाला मॉडल है ना फॉर्चुनर का, तो इनके पास मत लेके आओ भाई, ऐसा खर्चा बिठा देंगे, ऐसा खर्चा दिखा देंगे आपको, ऐसा कर देंगे जैसे आपकी गाड़ी कबाड़ा हो चुकी है, आपको बहुत कुछ इसमें लगाने की ज़रूरत है, जबकि टोयोटा की गाड़ियों में ऐसा करने की ज़रूरत होती नहीं है मेरे ख्याल से, पर ये लोगों ने इस तरह से मुझे दिखाया जैसे मेरी गाड़ी में अभी 1,00,000 रुपए का खर्चा है, मैं ये नहीं कहता नहीं होगा, क्या पता कुछ 20-30 हज़ार का हो भी, क्योंकि रेडिएटर असेंबली रेडिएटर चेंज होना ही है इसका, चलो बाकी चीज़ें का मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा वो बताएंगे, आदमी ट्रस्ट करके आता है ये सोच के कि अच्छी चीज़ होगी, अच्छा वो मिलेगा, बट अगर ये लोग इस तरह से बात करेंगे, या मतलब बात तो कह लो, बात में तो कोई इशू नहीं है, बात कर लो कैसे भी, बट ये लोग अगर इस तरह से एस्टिमेशन देंगे और इस तरह से वो बनाएंगे, तो भाई कौन आके सर्विस कराएगा, इस गाड़ी को लेके आने का कोई फ़ायदा नहीं है फिर, इनके पास वो नई नई गाड़ियाँ लो, वो लेके आओ, वो फ्री सर्विस कराओ, ठीक है, और नोएडा स्पिरिट टोयोटा की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी किसी डीलरशिप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है, बाकी डीलरशिप में मैं सर्विस नहीं कराई है, जब किसी बाकी पे किसी पे कराऊंगा उसका फीडबैक अगर अच्छा लगेगा मैं ज़रूर शेयर करूंगा टोयोटा का, अभी मुझे इसका इस गाड़ी के साथ मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 18000 का बिल अभी भी इन्होंने दिया है, ठीक है चलो जो भी चीज़ लगी है, बट यार इंस्पेक्शन चार्ज जोड़ रखे हैं इन्होंने इतने ज़्यादा, जो कि मुझे लगता नहीं है वायबल है इतना ज़्यादा कॉस्ट रखना टोयोटा को, टोयोटा जाना जाता है अपनी लो कॉस्ट के लिए, लो सर्विस कॉस्ट के लिए, मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए, और अगर यही लोग इतना पैसा लेने लगेंगे तो फिर कौन क्यों टोयोटा लेने का फिर फ़र्क क्या रह गया मतलब और गाड़ियों में फिर इनमें।